नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चल लॉकडाउन में वृद्ध, बच्चे और सभी लोग परेशान हो रहे हैं। इसका हम सभी को दुख है, लेकिन कोरोना जैसी घातक बीमारी से हम सबको सुरक्षित रखना और रहना है। इसके लिए लॉकडाउन डीसी का पालन करना जरूरी है। यह बात तहसील सभागार में नगर पत्रकार संघ द्वारा आयोजित कोरोना वीर योद्धाओं के सम्मान के मौके पर उपजिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने कही। जानकारी के अनुसार शनिवार को तहसील सभागार में नगर पत्रकार की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड 19 में जिस ईमानदारी, लगन व निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करने को लेकर पत्रकार संघ ने उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कोतवाली प्रभारी का सम्मान किया। इस मौके पर उपजिलाधिकारी ने सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस महामारी में दो ही तंत्र दिन रात अपनी जान की परवाह किए लोगों को कोरोना से लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को शासन के आदेश अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन समाज का चौथा स्तंभ पत्रकार, जिसे कोई भी सहायता व सुरक्षा व कोई भी सरकारी मदद नहीं है, इसके बाद भी इस महामारी में प्रशासन के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मऊरानीपुर के नगर के पत्रकारों के द्वारा जिस तरह लॉकडाउन के समय स्थानीय प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है, उसके लिए हम सभी के आभारी है। यहाँ पत्रकारों में एकता एवं सहयोग देख मन प्रसन्न हो जाता है। इस समय हमें भी बड़ा दुख होता है कि जो बुजुर्ग व बच्चे शाम को अपने मित्रों के साथ घूमकर अपना टाइम पास करते थे, आज उनके ऊपर क्या बीत रही उनका दर्द हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए घर में रहना भी जरूरी है। आज आप लोगों के द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज जो है नगर पत्रकार संघ के तत्वावधान में जो कोविड 19 के पैनिक से, उसमें जो महामारी से बचाव के लिए जो अधिकारी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था। तो जो SDM, CO, तहसीलदार या अन्य अधिकारियों ने जो ऐसी आपदा के समय में पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा लगाकर जो हाथ बटाया है और असहाय और गरीबों की मदद में जो एक अपनी भावना दिखाई है, उससे प्रभावित होकर हम पत्रकार बंधुओं ने उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया, ताकि वो और अच्छे ढंग से काम करें।